हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अंशु मिठू ब्लॉग पर स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ अंशु और ये मेरा मिठू। दोस्तों आजकल क्या हो ना, मेरा मिठू ना बहुत ज़्यादा शांत हो गया है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। पिंजरा पर कुछ खिला रहा हूँ, खाता है, सो जाता है। पहले जैसे मिठू मिठू चिल्ला रहा था, जैसे अभी कुछ चिल्ला रहा मिठू मिठू, कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहा था। इधर कुछ दिन से देख रहे थे, 10-15 दिन से एकदम ऐसा शांत हो गया ना कि कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो सोचा ना मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, तो मैंने कुछ तरीके अपनाए जिससे क्या हो ना कि मिठू का अकेलापन ना, जिससे क्या हो ना मिठू का अकेलापन ना दूर हो गया। ठीक है दोस्तों, मिठू का क्या हुआ, अकेलापन दूर हो गया और ये फिर से मिठू पहले के जैसा बोलने लगा, बदमाशियाँ करने लगा और अपना पिंजरा में खेलने कूदने लगा। चल दोस्तों मैं पहले बताता हूँ कि मिठू के साथ हुआ क्या था। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलो अभी मैं आपको दोस्तों क्या हुआ था ना कि मैं ना कुछ दिन से पढ़ रहा हूँ, मिठू पिंजरा पर रहता है, मिठू को मैंने खाना देता, खाना दिया, ये खाना खाया, देखिए हाँ बोल रहे, खाना खा लिया और सो गया, सो जा रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। धीरे 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 क्या हो गया ना, इसका मन शांत हो गया। पिंजरा के अंदर भी रहता तो भी सो जाता है, बाहर रहता है तो भी सो जाता है। देखिए दोस्तों मेरे पीछे ना शायद बिल्ली चिल्ला रहा है, तो ये मिठू देख रहे कि कहीं बिल्ली चिल्ला तो नहीं रहा है, इसको डर लग रहा है। तो दोस्तों फिर सुने ध्यान से, क्या हुआ ना कि मैंने तो मिठू को देखा पूरा शांत हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है, मिठू तो बोलना वोलना सब बंद कर दिया। मुझे भी टेंशन हो गई, क्या हो गया मिठू को कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो मैंने कुछ तरीका अपनाया, जिस तरीके को अपना कर मिठू का फिर अकेलापन को या उदासीपन को दूर कर दिया। इधर मैं देखना है बिल्ली, ये देख रहा है कि कहीं बिल्ली तो इसको देख नहीं रहा है। चल देख, इधर देख, देखने दीजिए। चल दोस्तों आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक। तो क्या हुआ ना कि मिठू पूरा शांत हो गया। फिर मैंने कुछ तरीके अपनाए, जैसे कि देखिए दोस्तों आप भी अगर कुछ काम करते हैं, अभी तोता पालते हैं तो अपने काम में तो व्यस्त हो जाते हैं, अपने तोता का ध्यान रखना भूल जाते हैं। मैंने भी वही किया, तोता का अपने ध्यान रखना भूल गया, थोड़ा सा ध्यान देना क्या छोड़ दिया, ये बोलना छोड़ दिया, एकदम शांत हो गया। देखिए अभी डर रहा है, देख रहा है कि कहीं बिल्ली कुछ करने रहा, टेंशन मतलब नहीं है साथ में, तो बिल्ली कुछ ना करता, शांत है दोस्तों। फिर मैंने क्या किया, अपना तोता को पिंजरे से निकाला, बाहर घुमाने के लिए ले गया, जिससे इसको खुद को अकेलापन महसूस ना हो और ये बोरियत ना हो। क्योंकि तोता है ना, कोई भी आदमी भी रहा तो एक जगह बैठा बैठा बोर हो ही जाता है, नींद आता है, कोढ़िया गिरी हो जाता है, तो क्या होता है बोलना चिलना सब बंद कर देता, शांत हो जाता है। मिठू भी, तो मैंने मिठू को ना घुमाना शुरू किया। क्या किया, सोचा कहाँ घुमाने जाओ। तो आप भी अगर तोता को अपना घुमाना चाहते हैं ना, तो क्या करेगा ना कि अपने तोते को ना कहीं पर ले जाएगा घुमाने के लिए, ठीक, कहीं भी अपना बगीचा ले जाइएगा, कोई पार्क ले जाएगा, लेकिन ऐसी जगह ले जाइएगा जहाँ छोटे मोटे पेड़ पौधे हो, अमरूद का पेड़ हो, कोई भी फूल वूल का पेड़ भी होगा ना तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, अपने पेड़ पौधे पर ले जाए, वहाँ पर क्या होगा ना मिठू घूमेगा, इधर उधर घूमेगा, आप मिठू के साथ खेलिएगा, तो इससे क्या होगा ना मिठू का अकेलापन भी दूर होगा और आप भी मिठू को बोलिएगा तो देखिएगा फिर से मिठू बोलना चलना शुरू कर देगा। यदि आपका भी तोता अगर शांत हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है, आप चाहते हैं कि आपका तोता बोले, फिर से बोलने लगे, या फिर अपना जो तोता अगर नया नया लाया है उसका बोलना सिखाना चाहते हैं, तो उसे भी आप इस तरह घुमा उड़ा के सिखा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे मेरा तोता तो पिंजरा में रहता है, आपका तोता, मेरा तोता खुला रहता है। तो यदि आपका तोता पिंजरा में रहता है ना और आप चाहते कि वो खोल दे और वो ना उड़े, तब उसका पंख काट के उसको घुमाने ले जाइए करिएगा, इधर उधर घुमाइए। देखिए जैसे मैं अभी जैसे देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये भी एक बाड़ी है, ये पर छोटे मोटे पेड़ पौधे बहुत है, फूल का पेड़ है, छोटे मोटे पेड़ पौधे सब चीज़ें, जहाँ पर ये घूमता फिरता है और ये खुश रहता है। इससे क्या होता है मिठू का अकेलापन भी दूर हो जाता है। अभी आप सोच रहे हैं मिठू ऐसे क्या दिख रहा है, दोस्तों शायद पीछे तरफ बिल्ली है, उसी को ध्यान से देख रहे हैं कि कहीं इसके तरफ तो नहीं आ रहा, ये एक नंबर डर पुकला है, बिल्ली उल्ली को देखे तुरंत डर, देखिए मोटो कैसे आके कर डर रहा है, इसका टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह करके आप अपने तोते को आपको जहाँ लगे घुमाना अच्छा लगेगा, आप ही घूम, चले आपको घुमाने की जगह नहीं मिल रहा, आपका बड़ा घर या छोटा घर है तो अपने घर के बाहर ही घुमाएगा, जमीन में बैठा के छोड़ दीजिएगा और उसके आगे पीछे दौड़िएगा, बुलाइएगा, तो इससे क्या होगा मिठू का अकेलापन दूर हो जाएगा। मिठू अगर शांत हो गया, आपका अगर कुछ बोल नहीं रहा है तो बोलना शुरू कर देगा। देखो दोस्तों मिठू मुझे कितना जोर से पकड़ लिया बिल्ली को देख के, तो इसे बोलना शुरू कर देगा, इससे क्या होगा मिठू का अकेलापन दूर हो जाएगा, फिर मिठू आपका पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। इन सभी तरीकों को अगर आप अपनाते हैं, अपने तोते के साथ अगर खेलते कूदते हैं, तो ये भी फिर से बोलने लगे, ये भी शांत है क्योंकि बिल्ली को देखे शांत हो गया, देखिए हंस के दिखा रहा है, खास शांत हो गया ना मिठू। दोस्तों यही कुछ तरीके जिससे अपनाकर आप अपने तोते का अकेलापन, उदासीपन, ये बोल नहीं रहा है तो सबको दूर कर सकते हैं। आप तोते के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगा, अगर जिस तोते का अगर पंख काट दिया अगर उसके साथ समय बिताना चाहते हो तो उसे भी ज़्यादा ज़्यादा बिताएगा। दोस्तों अभी मिठू को ना बिल्ली का डर लग रहा है, इसको मुझे घर ले जाना होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए आप ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, देखिए 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 कैसे मिठू छटपटा रहा है। देखिए 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 घर जाने के लिए कैसे छटपटा रहा है। ना करते बिले कुछ रे, देखिए घर जाने के लिए छटपटा रहा है। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मैं मिठू को घर ले जाता हूँ। चल मिठू।